देखो क्या बोलते हैं हम मनके के बीच की गैप कम हुई है। स्लिप ऑफ डिस्क है या स्लिप ऑफ स्लिप डिस्क? वेरी गुड, यस 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 एग्जैक्टली। स्लिप डिस्क में क्या होता है, एक बार थोड़ा हल्का सा नजर डालते हैं उसके ऊपर। हाँ ब्रेन है ये, यहाँ से लेकर ये ब्रेन है, ये स्पाइनल कॉर्ड चालू होता है नीचे मणके में से, रीढ़ की हड्डियों में से निकलता है, बारीक सा धागा रहता है और ये यहाँ तक जाके अपने टेल बोन तक यहाँ पर एंड होता है। हा? तो अभी इसमें ये अपने वर्टिब्रे रहते हैं। वर्टिब्रे को हिंदी में क्या बोलते हैं? ऐसे चौरस में वर्टिब्रे रहते हैं, मणका बोल सकते हैं ना। हाँ तो अभी यहाँ मैंने जहां जहां देखो गैप क्रिएट की है, गैप दिखाई है ना, तो ये जो गैप दिखाई है ना दिख रहा है सभी को, पीछे भी रेड कलर के हैं ये अपने मणके हैं, ये हड्डी है तो हड्डी मजबूत रहती है, और ये जो ब्लू कलर का है ये गादी है, दो हड्डियों के चौरसों के बीच में गादी है, तो ये गादी जो रहती है ना ये कुशन क्या काम करती है कि फ्रिक्शन ना हो, दोनों में घर्षण ना हो। दूसरी बात, ये गादी जो रहती है बहुत सॉफ्ट रहती है, जेल जैसी रहती है, जेली के चॉकलेट्स बच्चे खाते हैं ना, तो कैसे होता है यहाँ से उसको दबाओ तो दूसरी तरफ से फूगी, पीछे से दबाओ तो आगे से फूकती है, आगे से दबाओ तो पीछे से फूकती है, ऐसी उसकी प्रॉपर्टी है ये गादी की, राइट। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये इसके अंदर सेल्स हैं, नर्व्स हैं, नरिशमेंट है पूरे स्पाइन के लिए, ठीक है। तो और ये नरम होती है, ये कड़क होता है। अभी क्या होता है हम जैसे आगे झुकते हैं, ये आगे की साइड है, ये पीछे की साइड है, जैसे मैं आगे झुकती हूँ मेरा मणका पूरा फ्लेक्सिबल है, राइट, फ्लेक्सिबल है ना हम सभी, तो मैं जैसे ही आगे झुकती हूँ तो क्या होता है ये वाली कंप्रेस होगा और यहाँ से ये गादी फूकेगी। सिंपल, मैं आगे झुकती हूँ तो मेरे मणके एक दूसरे के साथ थोड़ा बहुत जुड़ते हैं और वो गादी पीछे से फुगा देती है, फूकती है, क्योंकि वो फ्लेक्सिबल है, जेली लाइक है ना, फ्लेश जैसी है। तो हम क्या करते हैं रिपीटेडली अगर ये मूवमेंट करते हैं, ये वाली इतने सालों में अगर ये वाली मूवमेंट ज़्यादा करते हैं, किसी किसी के काम में हो सकता है ना कि ज़्यादा झुकने का होता है, किचन में ज़्यादा होता है माताओं को बराबर, हाँ तो किसी किसी का प्रोफेशन में भी हो सकता है। तो ऐसे केसेस में है ना स्लिप डिस्क, माना ये डिस्क है ना, आप ज़्यादा बार 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 ये कर करके ये पीछे खिसक सकती है, यहाँ से पीछे फुगा आया है ना, ऐसे हो सकती है। तो क्या होता है पीछे की जो जो भी स्ट्रक्चर्स हैं उनके ऊपर दबाव आता है। अभी देखो आँख में कचरा भी जाता है थोड़ा बहुत तो भी कितना हमको दर्द होता है, वो निकलता नहीं है जब तक तब तक हमको चैन नहीं आता, ये तो कितनी बड़ी बात है। स्लिप डिस्क डॉक्टर्स तो बोलते हैं क्या बेड रेस्ट के लिए बोलते हैं, क्यों बेड रेस्ट के लिए बोलते हैं, वो सीधा अंदर जाए उसको सपोर्ट मिले, और ताकि क्या करें पेशेंट्स क्या करते हैं नहीं तो फिर हाँ, क्योंकि ये हर डॉक्टर समझाने नहीं बैठता कि क्या हुआ है, डायरेक्टली बोल देते हैं बेड रेस्ट करो या तो फिर पट्टा लगाओ। पट्टा क्यों लगाते हैं, सपोर्ट मिले, और अभी अभी बताया मैंने कि ना झुके ज्यादा, पट्टे से मूवमेंट अटक जाती है ना, तो ये हो गया। तो ये सारी ये जो स्लिप डिस्क का है ना, गर्दन से ज्यादा इससे छाती से मणके से ज्यादा भी अपने लंबर में होता है, कमर में होता है ज्यादा, इसीलिए थोड़ा अभी
समझो डॉक्टर ने जिसको भी बताया होगा कि आगे नहीं झुकना है, इसके पीछे का लॉजिक बस इतना ही है ताकि ये धीरे धीरे अंदर जाए और आगे इसके ऊपर प्रेशर ना। अगर इसके ऊपर प्रेशर आता है तो क्या कंप्लेंट्स हो सकते हैं पेशेंट्स के, हाथ पैरों में मुंगी आ रहा है, दर्द हाथों में भी जा रहा है पैरों में भी जा रहा है, तो ऐसे भी हो सकता है। हाँ, तो ऐसे केसेस थोड़े सीवियर होते हैं, तो आप सभी ध्यान देना, आपके जो भी पहचान वालों को भी आप बता सकते, ये सारा नहीं लेकिन जो डॉक्टर ने मना किया है वो मत करो, है ना। फिर हम ऐसे केसेस में बोलते हैं कि ग्राउंड लेवल एक्टिविटीज मत करो, जमीन पर पालथी मार के नहीं बैठना है तो मत बैठो। इसके पीछे भी क्या रीजन हो सकता है, प्रेशर आता है उठते वक्त, किसी किसी को बहुत दुखता है, झटका भी आ सकता है, राइट। तो ये सब अवॉइड करने के लिए इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते जाओ डॉक्टर्स के। नेक्स्ट, न्यूरोलॉजिकल में और क्या क्या आएगा, पुराने दर्द हो गए, फिर वो जो बच्चे रहते हैं मेंटली रिटार्डेड, उनने फिजियोथेरेपिस्ट का देखा आपने कभी, फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते हुए क्या क्या, वहाँ जाके क्या करते हैं उन बच्चों के साथ, उनको एक्सरसाइजेस कराते हैं, मतिमंद जो बच्चे रहते हैं ना उनको एक्सरसाइजेस कराते हैं, क्यों कराते होंगे उनको एक्सरसाइजेस मालूम है आप सभी को, एक्टिवेट हो और मसल्स एक्टिवेट हो, ब्रेन एक्टिवेट हो और मेंटेनेंस प्रोग्रेशन है ना, सभी के ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा हो। ये करते वक्त बच्चे को दर्द हो सकता है, देखा होगा आपने ना कितने सारे बच्चे रहते हैं, हम रोड पे भी देखते हैं, है ना, छोटे से लेके बड़े तक। फिर दूसरे केसेस और क्या हो सकते हैं, ये माइंड से रिलेटेड है, तो इसमें क्या होता है किसी किसी को फिट आ रही है न्यूरोलॉजिकल, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस इन सब बातों का, उनको भी न्यूरोलॉजिस्ट के पास MRI के लिए भेजते हैं, तो पता चलता है कि भाई कौन सी नस दबी है, दिमाग की दबी है, बैक की दबी है, पैर की दबी है, दोनों की दबी है, फिट आती है ना किसी किसी को। दीदी ने सही कहा, देखो एपिलेप्सी बोलते हैं उसको मेडिकल टर्म में, एपिलेप्टिक अटैक किसी किसी को आते हैं, तो क्या होता है ब्रेन में हाइपर ज्यादा सिग्नल्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल्स अपनी बॉडी में इलेक्ट्रिसिटी बहती है, आपको मालूम है, मालूम होगा, एनर्जी बहती है ना इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू और ब्रेन से जो सिग्नल्स निकलते हैं इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू, तभी जाकर मुझे मालूम पड़ेगा ना, अगर मेरा ब्रेन कहेगा मुझे हाथ हिलाओ या फिर मुझे चटका लग रहा है तो तुरंत हम हाथ निकालते हैं, राइट। ये सब कौन बताता है हमको, ब्रेन बताता है। अगर ये सारे सिग्नल्स, कभी कभी कोई कोई केसेस में सिग्नल्स ज़्यादा होते हैं तो ये पैथोलॉजिकल कंडीशन है, ये अबनॉर्मल है। उसमें एक केस हो सकता है जैसे दीदी ने बताया एपिलेप्सी, फिट आ सकते हैं, ठीक है, तो मेडिसिन की बहुत ज़रूरत है, वो तो लेना ही है। इसमें और बहुत सारे हैं, MS है, GBS है, वो सब है, मेमोरी भी, पार्किंसन डिसीज आपको आपने सुना होगा, है ना, स्लो मूवमेंट होती है। देखो मैं बताती हूँ आपको, हमको जैसे सिखाते हैं कैसे पेशेंट चलते हैं या फिर कैसे पेशेंट को पहचानना है कि ये पार्किंसन केस है, है ना, देखो ऐसे ऐसे चलते हैं, है ना, ऐसे ऐसे पार्किंसन, बहुत स्लो उनकी वॉकिंग पैटर्न हो जाता है, रिजिडिटी हो जाती है, ये शेक होता है ज़्यादा करके, अंगूठा शेक होता है, फिर हेड भी शेक होता है, उठने बैठने में बहुत स्लो, एकदम स्लो मूवमेंट, बिल्कुल स्लो, जो हेड स्लो मतलब हेड मूवमेंट होती है तो वो भी यही डिजीज है, उसकी वजह से नहीं पूरा वहाँ पर मेंटल वर्क करता है, मतलब ऐसे हिल रहा है क्योंकि मैंने देखा है दीदी अपने, वो हिलता है लेकिन मेंटली बहुत, हाँ ये चीज, ये तो शारीरिक है, हाँ एक्यूरेट सारा स्पीच, यस यस यस, अच्छी रहती है मेमोरी, बाकी सब अच्छा रहता है, शार्प रहता है, बोलने में भी उनका जो कन्वर्सेशन सब कुछ अच्छा रहता है, तो ये फिजिकली तो अंडर मेडिकेशन, मेडिसिन तो लेने ही है, उसके साथ साथ फिजियोथेरेपिस्ट उनको ऐसी एक्सरसाइजेस कराते हैं ताकि जो केस है मेंटेन रहे। और देखो कोई कोई न्यूरोलॉजिकल केसेस में है ना, कोई कोई केसेस में मेंटेनेंस ज़्यादा ज़रूरी है और कोई कोई केसेस
रिकवर ज्यादा करके केसेस रिकवर होते हैं, परंतु ये जो पार्किंसन है, जीबीएस वाले हैं, एमएस वाले हैं, ये मेंटली रिटायर्डेड बच्चे हैं, इनमें सिर्फ मेंटेनेंस प्रोग्राम रहता है। फिजियोथेरेपिस्ट का रोल मेंटेनेंस है, हम उनसे ज्यादा रिकवरी की अपेक्षा नहीं कर सकते। कोई भी डॉक्टर ऊपर हमारे से ऊपर ये स्पेशलिस्ट है, तो ये लोग भी, उनको भी मालूम है कि रिकवरी कितनी चांसेस परसेंट चांसेस है। दूसरा तीसरा हम देखेंगे कार्डियोपल्मोनरी, हार्ट रिलेटेड, लंग्स रिलेटेड। अभी उसमें फिजियोथेरेपिस्ट का क्या रोल है? फिजियोथेरेपिस्ट का हम चेस्ट फिजियोथेरेपी देते हैं स्पेशली। छोटे सिंपल एग्जांपल, कफ आता है, खांसी आती है, कभी कभी हमको लगता है कि खांसी यहाँ पर अटक रही है, आगे को स्पूटम नहीं निकल रहा है, स्टिकी हो जाता है, थिक हो जाता है, चिकट वो बाहर नहीं आ रहा, तो उन केसेस में हम क्या करते हैं, चेस्ट फिजियोथेरेपी के ऐसे कुछ टेक्निक्स है, उससे वो कफ लूज हो जाता है, लूज होगा तो इजीली बाहर आएगा। तो वो सिंपल केस हुई। अब कार्डियोपल्मोनरी फिजियोथेरेपिस्ट का रोल ज्यादा होता है आईसीयू में चेस्ट फिजियोथेरेपी के लिए। फिर वेंटिलेटर पे जो पेशेंट्स हैं जिनको कृत्रिम ऑक्सीजन दिया है, उन पेशेंट्स में ये फिजियोथेरेपिस्ट का रोल हमारा ज्यादा होता है। ब्रोंकाइटिस, अस्थमा केसेस भी इसमें फिजियोथेरेपी कर सकते हैं। मस्क्यूलोस्केलेटल, मस्क्यूलोस्केलेटल नाम ही बता रहा है, मसल का कुछ भी, कोई भी पेन, कभी कभी बोलते हैं ना गोला है तो, क्रैम्प ये तो, हाँ, तो ऐसे केसेस में फिजियोथेरेपी। क्रैम्प आने का रीजन क्या है? क्रैम्प्स आने का आप बता रहे हैं? नहीं नहीं, अच्छा, हाँ, अच्छा, क्रैम्प्स एक तो इलेक्ट्रोलाइट्स बॉडी में कम हो जाते हैं, हो सकता है, हो सकता है, अगर आप कोई भी मूवमेंट या फिर कोई भी आदत सडनली स्टॉप करते हो तो भी हो सकता है। एफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12 मोस्टली हो सकता है, वेरी गुड, और वाटर इनटेक कम होने से भी हो सकता है। इन सब की वजह से क्या होता है, ड्यू टू ग्रेविटी काफ मसल्स में हमारा जो भी टॉक्सिन्स है वो जल्दी डिपॉजिट हो जाते हैं, तो उसकी वजह से एकदम फटाक से वो तो क्रैम्प तो अचानक आता है, तो हम तभी तुरंत क्या करना चाहिए, किसी को आइडिया होंगे, आप तो एक्सपीरियंस करते होंगे। किसी ने बताया कि डॉक्टर ने मुझे तो ये बताया था, कभी आता है स्टेराइड्स क्या होता है वो टैबलेट, हाँ, उससे आता है तो नमक लगाओ घी पर तो उससे आपको रिलीफ मिलेगा, तो अभी तो नहीं आता मुझे, पहले आता था वो ब्लड चालू थी, अभी वो बताया था, और भी थोड़े उस समय दिए। और किसी को आते हैं क्रैम्प्स तो आते होंगे, हाँ, क्या करते हो फिर आप? खड़े होके चलना शुरू कर दे, खड़े कुछ करते हो तो आ रहे हो जाते हो, फिर उसने थक पा मेरा समय से, हां टाइट हो जाता, अटक जाता, वो क्लेम को एक्सटेंशन होती है पहले, हॉट, हां ये हॉट वाटर थेरेपी तुरंत हो सकता है, तुरंत उसके बाद थोड़ा मसाज, यस, सिंपल है, जहाँ बैठे हो जो भी पोजीशन में हो थोड़ा झटको और चलो, थोड़ा वॉक करो और एक ग्लास पानी बैठकर पियो आराम आराम से, धीरे धीरे वो चला जाएगा। टॉक्सिन्स लेवल बढ़ जाता है ना तभी ये होता है, तो फ्लश आउट करने के लिए जितना पानी पी सकते हो पानी पियो, ये ज़्यादा करके रात में ज़्यादा आता है, जब बॉडी रेस्टिंग पोजिशन में जाती है। अगर सीवियर क्रैम्प्स आते हैं तो हम क्रेप बैंडेज, पिंक कलर का जो बैंडेज है उससे भी थोड़ा बांध के कंप्रेशन, एज अ कंप्रेशन थेरेपी उसको सपोर्ट दे सकते हैं मसल्स को। तो चल रहा है ना मेडिसिन, मेडिसिन चल रहा है, मेरे को चल रहा है, बहुत स्लो चल रहा है।
मैंने जैसे कहा कि कोई कोई केसेस में मेंटेनेंस प्रोग्राम ही रहता है। मैं बात करती हूँ आपसे, डिटेल में बात करते हैं। आई हैव सीन यू मेनी टाइम्स, बात करते हैं। नेक्स्ट है प्रेगनेंसी में। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्री प्रेगनेंसी, पोस्ट प्री नेटल, पोस्ट नेटल कहते हैं। एक्सरसाइजेस की जरूरत है, होती है, क्यों होती है? नहीं नहीं करेगी एक्सरसाइजेस तो प्रेगनेंसी में कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं? ऑपरेशन नहीं होती है और पेन होता है, ज़्यादा मसल्स टाइट हो सकते हैं, तो इसीलिए स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस, मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस ज़्यादा कराते हैं। प्रेगनेंट लेडीज़ में बैक पेन ज़्यादा होता है, क्योंकि आपने देखा होगा ये जो कर्व है वो ऐसे बढ़ता है। अब देखो नॉर्मली इतना किलो का वेट हम हाथ में भी नहीं उठा सकते, वो 10 किलो वजन तो बढ़ता है, इतना वेट आगे है तो वो लेडी अपने आप ऐसे झुकेगी, तो उसकी वजह से कितना सारा कंप्रेशन आता होगा स्पाइन पर। हाँ, फिर पैरों पे सूजन आती है, नाक भी सूजते हैं, कोई कैसे क्या अलग अलग डिपोजिशन होता होगा तो हो सकता है। तो ऐसे केसेस में आप जरूर बताइएगा, फिजियोथेरेपिस्ट की सलाह ले और अकॉर्डिंगली जाए। प्री नेटल डिलीवरी के बाद भी माताओं को एक्सरसाइजेस की जरूरत होती है। कौन कौन से ऐसे फील्ड्स हैं जहाँ फिजियोथेरेपी वर्क करता है? नेक्स्ट है बर्न, जलना। बर्न कैसे, आपने केसेस देखे हैं किसी अड़ोस पड़ोस में, देखा है किसी को 90% बर्न, बॉडी फुल बर्न? हाँ, या तो फिर हाथ पैर कुछ तो बॉडी का हिस्सा बर्न होता है। अभी उसमें फिजियोथेरेपी क्या करता है? ब्लड सर्कुलेशन ही रुक जाता है ना, उसमें बर्निंग हो जाता है, फिर उसको सर्कुलेट करने के लिए स्किन डार्क हो जाती है, ब्लैक कलर की हो जाती है। तो हम क्या करते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट क्या कर सकते हैं? एक्सरसाइज कराएंगे तो क्या होगा, सर्कुलेशन होगा, ब्लड सर्कुलेशन होगा, मूवमेंट बढ़ेगी। एक एग्जाम्पल देती हूँ, ये बर्न हॉस्पिटल में मैं 5 साल काम कर चुकी हूँ एज अ फिजियोथेरेपिस्ट। देखो क्या होता है, अगर ये सब अगर ये चेस्ट भी है इंक्लूड उसमें, तो क्या होता है अंदर के ऑर्गन्स, हार्ट और लंग्स, सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। ये हाथ अगर मेरा जला है तो ये कभी कभी है ना पेशेंट्स के इग्नोरेंस की वजह से ये चिपक जाता है, चमड़ी चिपकती है, देखा होगा आपने, ऐसी चिपकती है तो मेरी ये वाली मूवमेंट अटक गई तो मैं ईजिली काम कर सकती हूँ, तो मुझे ऐसे ही रहना है पूरे लाइफ टाइम, या फिर फिजियोथेरेपी लेके मूवमेंट को बढ़ाना होता है ना। तो आप भी किसी को अगर आप देखते हो आपके पहचान में तो बताना जरूरी, फिजियोथेरेपी मस्ट है। ओके, ये मैंने ग्रॉस केसेस लिए थे जिनमें फिजियोथेरेपी काम करता है। आपको कोई क्वेश्चन इसके रिलेटेड, बीमारी के रिलेटेड? नहीं, नेक्स्ट जाते हैं। फिजियोथेरेपी डायबिटीज में भी काम करता है अलॉन्ग विद मेडिसिन। हाँ, डायबिटीज में डायबिटिक फूड, पैरों में तकलीफ होती है, फिर डायबिटिक्स पेशेंट्स को फ्रोजन शोल्डर के 90% चांसेस होते हैं। पेट के कैंसर पेशेंट्स को भी अलॉन्ग विद मेडिसिन, ये टीम वर्क होता है, डॉक्टर्स का टीम वर्क होता है, तो अलॉन्ग विद मेडिसिन कैंसर पेशेंट्स में भी हम फिजियोथेरेपी करते हैं। तो अभी ये दर्द या बीमारियाँ दूसरा टॉपिक है। देखो किन मेन दो वजह से होते हैं,
एक है मैकेनिकल और दूसरा है पैथोलॉजिकल। अब मैकेनिकल में पॉस्चरल, उसको हम पॉस्चरल भी बोलते हैं। आजकल अपनी लाइफस्टाइल इतनी आरामदायी हो चुकी है कि मुझे सब कुछ बैठे बैठे चाहिए, चाहिए ना। अब मुझे काम भी ऑफिस का बैठे बैठे घर में चाहिए, वर्क फ्रॉम होम जाते हो तो ट्रैवलिंग तो होता है, कम से कम उतना एक्सरसाइज तो होता है ऑफिस में जाते जाने आने में, लेकिन मुझे बैठे बैठे भी घर पे काम करना है तो मेरी, मैं कैसे भी बैठ सकती हूँ ना, आराम से घर पे ही तो बैठे हैं, बस मुझे फेस तो दिखाना है कंप्यूटर स्क्रीन पे। हाँ, तो कैसे भी ऑकवर्ड पॉस्चर्स, ऑकवर्ड पोजीशन, हमारे जो आसन है, हमारी जो आदत है बॉडी की, कैसे भी बैठना उठना लेटना सोना, उसकी वजह से ये दर्द बीमारियाँ चालू होती हैं। उसमें क्या क्या आ सकता है, बैक पेन आ सकता है, स्पॉन्डिलोसिस आता है, ये कॉर्पोरेटर्स में जो काम करते हैं वो पेशेंट ज़्यादा दिखाई देते हैं, 8-8, 10-10 घंटा लैपटॉप पे बैठे रहो तो टेनिस एल्बो हो जाता है, किसी किसी को हाथों में मुंगी आता है, स्पॉन्डिलोसिस होता है, सीवियर होता है। तो ऐसे सब केसेस में कभी भी है ना ज़्यादा इग्नोर नहीं करने का, हम क्या करते हैं बॉडी को खींचते रहते हैं जब तक चलता है, चलाओ चलाओ चलाओ, फिर एक दिन बॉडी इतना रेड सिग्नल देती है ज़ोर से, अब कहीं तो रुको भैया, अब तो डॉक्टर के पास जाओ दिखाओ। तो ऐसे हमें नहीं करना चाहिए। हाँ, 4-5 दिन मेरा दर्द है, नहीं ठीक हो रहा है, मुझसे नहीं हो रहा है, तो सलाह लो, है ना, क्योंकि अक्यूट केसेस जल्दी रिकवर होते हैं, जितना हम बीमारी पुरानी हो जाती है वो रिकवर होने में टाइम लेती है। तो मैकेनिकल हो गया, पॉस्चरल, पॉस्चरल में स्पॉन्डिलोसिस, बैक पेन, दूसरा है हमारे प्रोफेशन के संबंधित जो भी बीमारियां हैं, जॉब के संबंधित घुटने दर्द हो सकते हैं, फिर से बैक पेन, स्पॉन्डिलोसिस। पैथोलॉजिकल में नंबर एक है उम्र, आयु के संबंधित एज रिलेटेड केसेस, कौन कौन से होते हैं आपको मालूम है, बताओ एज रिलेटेड दर्द मुझे कौन कौन से हो सकते हैं, घुटनों के, जी घुटनों के दर्द ज्यादा देखे हैं, बरोबर, बीपी डायबिटीज होता है, कोलेस्ट्रॉल भी आजकल बढ़ने लगा है। हाँ, तो ये सारे केसेस में डॉक्टर्स के साथ, अन्य डॉक्टर्स के साथ फिजियोथेरेपी भी काम करते हैं। फिर दूसरा है अन्य कोई भी बीमारी, जैसे अभी आपने कहा ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड, ये सब चीज़ों में फिजियोथेरेपिस्ट काम करते हैं अलॉन्ग विथ मेडिसिन। कोई केसेस में फिजियोथेरेपी का प्राइम रोल रहता है, इम्पॉर्टेंट रोल रहता है, कोई कोई केसेस में फिजियोथेरेपिस्ट स्पेशल इसके अंडर काम करते हैं, समझे। इसमें संधिवात भी आता है, संधिवात के मेन केसेस जो हम देखते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस, ये है। डायबिटीज में क्या रोल रहेगा मैम? डायबिटीज में अगर पेशेंट को फ्रोजन शोल्डर है, हाँ, फिर शोल्डर की मूवमेंट अटकती है, बहुत दर्द देता है, तो ऐसे केसेस में हम एक्सरसाइजेस कराते हैं। दूसरा डायबिटीज में मेन केस है डायबिटिक फुट, देखा होगा सेंसेशन चले जाते हैं, फिर थोड़ा डार्कनेस आता है स्किन का, तो उसमें फिजियोथेरेपी के साथ साथ एक्सरसाइजेस के साथ साथ हम ऑर्थोटिस्ट के पास भी भेजते हैं पेशेंट्स को, ताकि वो डायबिटिक फूड बना के कस्टमाइज्ड मिलते हैं हम, ये जो नॉर्मल, क्योंकि उनको जख्म भी होती है तो भी समझता नहीं है अगर, तो जो सेफ, ये आजकल बहुत आया है कि डायबिटिक केयर वाला, हाँ, किट ही मिलता है बाहर, वो ऑथेंटिक है मैम। हाँ जी, अगर सर्जिकल्स के शॉप में से आप वो जो डॉक्टर्स एक्सपर्ट होते हैं ना, उनसे अगर कराते हो बनाते हो, यस। तो डाइटिशियन के थ्रू जाना चाहिए कि वो किट खरीद सकते हैं सर? अच्छा, आप वो किट के लिए पूछते हो, नहीं नहीं, इट शुड बी ऑलवेज अंडर एडवाइस, है ना। हम एक्सरसाइजेस क्यों करते हैं, दो मेन रीजंस है, फिजियोथेरेपिस्ट एक्सरसाइजेस कराते हैं और हम जो नॉर्मली एक्सरसाइजेस करते हैं, एक तो है हेल्दी रहने के लिए, फिट रहने के लिए, उसमें क्या क्या हो सकते हैं एक्सरसाइजेस, कौन कौन से, वॉकिंग, जॉगिंग, प्लेइंग, स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स
सूर्य नमस्कार है, वेरी गुड। माता है, प्राणायाम है, और पीछे साइकिलिंग है, स्विमिंग है ना, जो नॉर्मली करते हैं फिट रहने के लिए, फिर जिम में जाते हैं, ट्रेडमिल करो, वॉक करो, ये सब, ये तो फिट रहने के लिए हो गया। लेकिन अगर समझो हमको बीमारी है, तो बीमारी के रिलेटेड एक्सरसाइजेस किससे सीखने चाहिए? एक्सपर्ट फिजियोथेरेपिस्ट से ही सीखने चाहिए। तभी भी कोई कोई पेशेंट्स मैं देखती हूँ कि क्या करते हैं, गार्डन में वो सब है लगाया हुआ आजकल, जो गैजेट्स लगाए हैं, वहाँ जाके अपने मन से एक्सरसाइजेस करते हैं। परंतु उसके बाद क्या हो सकता है, अंडर गाइडेंस अगर एक्सरसाइजेस नहीं करेंगे, कोई कोई पेशेंट्स फास्ट फास्ट करते हैं, मुझे जल्दी जल्दी ठीक होना है, तो ज़्यादा करते हैं, हो सकते हैं, होते हैं, ज़्यादा करके होते ही है। इसीलिए कभी भी एक्सपर्ट का सलाह लो फिर करो। अभी मैं थोड़ा टॉपिक फिर से चेंज कर रही हूँ। इसमें से आप क्या क्या ऑब्जर्व करके बता सकते हो बताओ, ये फोटो में से बताओ, पीछे से सिटिंग पोस्चर करेक्ट होना चाहिए, यस कभी होना चाहिए, ज्यादा करके मेनली खाना खाते टाइम लैपटॉप पे, यस काम करते समय लैपटॉप पे, स्टडी करते टाइम, स्टडी करते समय, वेरी गुड। तो कौन सी सही है, कौन सी गलत है इसमें? फर्स्ट वाली दिखाई दे रहा है पीछे, फर्स्ट वाली सही है, दूसरी वाली रॉन्ग है। परंतु दूसरी वाली तो बहुत आरामदायक है, तो मुझे क्या करना चाहिए? फर्स्ट वाली, ये तो हम स्कूल से सुनते आए हैं, बच्चे सीधे बैठो, बच्चे सीधे बैठो, बच्चे बैठते हैं 5 मिनट के बाद फिर से दम हो जाते हैं। तो क्या होता है, धीरे 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 जैसे उम्र बढ़ती है, तब ये सब होते हैं प्रॉब्लम्स शुरू, बॉडी बोलने लगती है। तो हमको कब से करना चाहिए ये सब प्रैक्टिस, बचपन से, स्कूल लाइफ से? तो अभी आप सभी बताएंगे अपने बच्चों को, घर में जो भी है, जिनको भी पहचानते हो, नहीं तो आगे जाके ये सब होता है। और अभी भी देखो, इसमें मैं एक्सप्लेन करती हूँ थोड़ा कैसे होना चाहिए। मॉनिटर है, स्क्रीन है कोई भी, अपने आँखों के सामने एग्जैक्टली आई लेवल पर होनी चाहिए, पीठ कमर बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। इसके लिए जो चेयर्स भी बनाते हैं, जिनको वर्क फ्रॉम होम है या फिर ऑफिसेस में ज़्यादा काम करते हैं, बैठ के ज़्यादा बैठना पड़ता है, उनके चेयर्स भी अर्गोनॉमिस्ट जो होते हैं, जैसे मैंने कहा कि टीम होती है, फिजियोथेरेपिस्ट, ऑर्थोटिस्ट, प्रोस्थेटिस्ट, अर्गोनॉमिस्ट, तो उनसे हम वो चेयर प्रॉपरली पर्टिकुलरली ये पर्सन के, ये बंदे के हिसाब से हम डिज़ाइन करते हैं। तो ये वाली चेयर है, इसमें हाथ देखो सपोर्टेड है, ये पैर टच्ड है, और ये सारा बॉडी परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड है, एल शेप में है, यहाँ बिल्कुल आराम मिल रहा है हमको। इससे आगे जाके ये हो सकता है, सब दर्द चालू होते हैं फिर, अभी जो हमने डिस्कस किए। किसी को पूछना है इसके बारे में? ओके क्लियर। ये हम सबके लिए बहुत जरूरी है। पहले मुझे बताओ आप सभी एक एक करके कि आप कौन सी पोजीशन में सोना, रात को सोना पसंद करते हो? लेफ्ट साइड सभी लेफ्ट साइड सोते हो? सीधे भी सोते हो तकिया कौन कौन लेता है सर के नीचे? सब लोग लेते हो? कभी लेते हो? रात को। कितना जाड़ा मोटा रहता है, पतला रहता है? पतला रहता है। अच्छा, फिर किस किस को इनमें से? गर्दन वाला, कभी कभी सर भी दर्द होता है, कभी कभी चक्कर भी आते हैं, कभी कभी हाथ में उंगली आता है, हो सकता है ना, इसमें से कुछ तो हो सकता है। आपको आदत पड़ गई है ये पोजीशन की, इसके बिना नींद नहीं आती है ना, आपकी तकिए के बिना नींद नहीं आती होंगी। तो अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा चेंज करेंगे, करके देखो प्रैक्टिकली, 2-4 दिन होता है तो करो,
नहीं तो फिर आकर पर्सनली मिलो, कुछ तो हम मॉडिफाई करेंगे। देखो दिख रहा है? I can't see. अभी इसमें कोई भी रॉकेट साइंस है नहीं, ये बिल्कुल लॉजिकल है। क्या किए चित्र में बताओ? हाँ तो कौन सी सही है कौन सी गलत है? ऊपर की, ऊपर की सही है, ये वाली सही है। ये वाली कैसी? लेफ्ट साइड बॉटम, लेफ्ट साइड बॉटम, ये वाली सही है। हाँ ओके। और ये वाले गलत है? सभी अग्रीड हो? सभी ऐसे बोल रहे हैं ये वाली गलत है, तकिया वाली गलत है, बिना तकिया वाली सही है। दिख रहा है सभी को? अब मैं कुछ बताऊं तो मुझे फिर बोलना मत कि ये ऐसे कैसे उल्टा बोल रहे हो। देखो हमारा ये जो स्पाइन है ना, यहाँ से जैसे मैंने कहा नीचे तक जाए, वो सीधे की सीधा नहीं है, वो हड्डियाँ सभी सीधी नहीं है, उसमें ऐसे कर्व्स है। नेक में कर्व है अंदर के साइड, चेस्ट के साइड कर्व है बाहर के साइड, पीछे के साइड से, और कमर में ऐसे अंदर के साइड। तो अभी ये हमको कर्वेचर मेंटेन करने के लिए पोजीशन को अपने मेंटेन करना होगा। अगर हम इन कर्वेचर्स के अकॉर्डिंग नहीं अपनी पोजीशन मेंटेन करते हैं तो सब ये दर्द चालू होता है। अभी देखो इसमें क्या किया है, ये फोटो में कोई भी टॉवल का रोल ये कर्वेचर के हिसाब से, अपने जो नेक की मड़के है उनके कर्वेचर के हिसाब से ये टॉवल का रोल रखा है। आपने देखा होगा किसी किसी के एक्सरे में ये कर्व बिल्कुल फ्लैट हो जाता है, बिल्कुल फ्लैट हो जाता है। गर्दन का भी हो सकता है या तो फिर इनका भी हो सकता है, कमर का भी हो सकता है। तो ये फ्लैट माना बिल्कुल स्ट्रेट, तो ये सही नहीं है ना। आगे पीछे के सारे स्ट्रक्चर्स को, मसल्स को, लिगामेंट्स को, टेंडन्स को बहुत तकलीफ देता है, तो वो पेशेंट्स बहुत दर्द में रहते हैं बैक पेन वाले। तो ये वाली पोजीशन सही है, लेफ्ट की आपके राइट की अपर वाली रोल ऑफ टॉवल जो रखा है। अभी ये पॉसिबल हो सकता है सभी को पूरी रात भर ऐसे सोना? प्रैक्टिकली बोलते हैं नहीं होगा, तो इसको थोड़ा स्किप भी करेंगे। जिनको पेन है, जो पेशेंट्स हैं वो कर सकते हैं, करो। हैबिट बनानी है तो बनाओ, बहुत अच्छा है ना। हाँ गर्दन के एग्जैक्टली नीचे। दूसरा है ये वाला फोटो। अब कंपेयर करते हैं ये फोटो, ये फोटो में जहाँ ये फीमेल ने तकिया नहीं लिया है उसमें क्या हो रहा है, उसकी गर्दन ऐसे नीचे जा रही है। अगर मैं तकिया पतला ले रही हूँ, मेरी आदत है तकिया पतला लेना, सॉफ्ट लेना, जो फैंसी तकिया आए हैं पिलोज वो लेना, हाँ तो उसमें क्या होता है, मेरी गर्दन तो नीचे चली जाती है। तो फिर क्या होगा मैं प्रैक्टिकली बताती हूँ। देखो अगर मैं ऐसे सो रही हूँ, हाँ ऐसे सो रही हूँ, और मैं बिना तकिए के सो रही हूँ, तो मेरी पूरी रात ये वाली साइड है खींचती गई और ये वाली साइड है कॉन्ट्रैक्ट हो गई, शॉर्ट हो गई। उसकी वजह से तकिया भी नहीं ले रही, शोल्डर भी दब जाता है। और अगर हम ये 2-3 घंटा खींचते हैं, फिर हम बार बार नहीं ना हम साइड चेंज, पोजीशन चेंज करते हैं, तो क्या होता है ये फ्रोजन शोल्डर। एक तो शोल्डर्स के ऊपर अफेक्ट होता है या तो फिर स्पॉन्डिलोसिस होता है, तो इसीलिए थोड़ी सी आदत बदलने की कोशिश करो। वो इंजरी के टाइम पे हो सकता है, और आपको फिर मूवमेंट स्टार्ट करने के लिए कुछ दिनों के लिए है ना, ये स्प्लिंट लगाओ, झोली लगाओ, बैंडेजेस लगाओ, ऐसे सजेस्ट किए हैं। और जब करवट होते हो तो कोई मतलब थोड़ा
थोड़ा मोटा भी ले सकते हैं। पुराने वाले जो ओल्ड सीनियर डॉक्टर्स है ना, पहले पहले तो ऐसे ही होता था कि तकिया मत लो, फिर दूसरा अब मैं इसीलिए मैंने खुद नहीं लेती इसीलिए मैंने पहले ही शब्द यूज किया कि थोड़ा लॉजिक से सोचते हैं। दूसरा है ऑर्थोपेडिशियन भी बोलते हैं कि अगर कमर दर्द है पीठ दर्द है तो जमीन पे लेटो कंबल डाल के, बोलते हैं ना ओल्ड एज में। सीनियर डॉक्टर्स तो पहले बोलते ही ऐसा, वुडन प्लेटफॉर्म पे सो, हाँ यस हार्ड सरफेस पे सोने के लिए। तभी आप ही बताओ मुझे जो मैंने आपको ये लॉजिक बताया इसके पीछे और इसके पीछे क्या डिफरेंस है इनमें से। अगर तकिया मैं लेती हूँ, मेरे साइज का तकिया लेती हूँ, जब मैं करवट जा रही हूँ और मैं मेरे ये साइज का, इतना मेरा साइज है, इतनी जाड़ी मोटी तकिया मैं लेती हूँ, तो क्या होगा, मेरी स्पाइन, गर्दन वाली स्पाइन बिल्कुल सीधी रहेगी, ऐसे गिरेगी नहीं, ऐसे सो रही हूँ तो ऐसे नहीं गिरेगी, ऐसे गिरेगी तो मुझे धीरे धीरे कुछ सर्टन एज के बाद ये खिंचाव की वजह से मुझे स्पाइन, सिर्फ करवट लेते समय बोलते हैं ना डॉक्टर, सिर्फ करवट लेते समय सीधा ऐसे सोते सीधा लेते हैं तो रोल ऑफ टॉवल भी है, फिर वो तो नींद में इतना सब करने का तो इसीलिए मत लो, वही तो लाते ना। लेकिन करवट जा रहे हो तो अपने साइड में तकिया रखो, गर्दन नीचे गिरनी नहीं चाहिए, हाँ ऐसे सो रहे हो ऐसे सो रहे हो, पतली तकिया नहीं लेनी। इस तकिया अपने हम सभी मेजर कर सकते हैं कितनी चाहिए सभी को, मेरा इतना, सभी नापो अभी मेजर करो कितना है अपना अपना शोल्डर का, ये बेल्ट इतना झाड़ा मोटा सबका तकिया चाहिए। अब इसमें भी मटेरियल कौन सा चाहिए अंदर, कड़क वाला तो कापूस रुई वाला जो नॉर्मल है, हार्ड है, ज़्यादा हार्ड भी नहीं और ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं, हो जो डिमांड में सॉफ्ट वाइट वाले पिलोज होते हैं ज़्यादा सॉफ्ट नहीं, हाँ। और वैसे ही मेट्रेस अपनी गादी कौन सी होनी चाहिए सोते वक्त, कॉटन की, कॉटन की जो पहले ट्रेडिशनल वाले जो सिलाई वाली गादी रहती है ना, सिलाई वाली तो वही गादी सही है, हार्ड सरफेस पे नहीं सो, और गादी की भी लाइफ रहती है कितना समय आप यूज़ कर रहे हो, नहीं तो फिर वो बड़ी लंबी चौड़ी हो जाती है, तो तभी आपको सिग्नल है कि चेंज करो आपकी पोजीशन। कलर लेते समय तकिया लेना है और सीधे सोते उसकी आदत डालनी है, उसकी आदत डालनी है। एक हो सकता है एक दो रात आदमी को नींद ना आए या फिर भूल जाए, हो सकता है। आजकल यू शेप का जो तकिया आता है वो इट इज यूजेबल, यू शेप का तकिया तो मैंने जो देखा है वो प्रेग्नेंट लेडीज के लिए ज़्यादा यूज करते हैं, अच्छा पोस्ट डिलीवरी जब ट्रैवलिंग में, अच्छा वो वाले आप छोटे छोटे तकिए, हाँ सपोर्ट के लिए अच्छे हैं, बीच में गैप रहता है और यू शेप रहता है वो मॉल में ज़्यादा करके अवेलेबल होते हैं, सही है वो सॉफ्ट मटेरियल का सही है ट्रैवलिंग के टाइम यूज कर सकते, ट्रैवलिंग के टाइम ताकि झमका ना हो, अननेसेसरी मूवमेंट रोकने के लिए। दूसरी बात स्पॉन्डिलोसिस में डॉक्टर्स किसी किसी को बताते हैं, मतलब मैं भी बताती हूँ कि पट्टा लगाओ, कॉलर लगाओ, तो लगानी चाहिए नहीं चाहिए, लगानी चाहिए क्यों, रीज़न सपोर्ट मिलता है और मूवमेंट नहीं झटके नहीं अननेसेसरी, मैं जो अभी ये कर रही हूँ आपके साथ मैं आपको हाँ बोल रही हूँ, ये ज़रूरी है हाँ बोलना मुझे, ये इसको बोलते अननेसेसरी अनावश्यक मूवमेंट, ये करना ज़रूरी है, मैं मुँह से भी बोल रही हूँ, तो इसको रोकने के लिए हम ब्लॉक करने के लिए मूवमेंट पट्टा लगाते हैं। कोई कोई पेशेंट्स हैं जिनको वर्टिगो का प्रॉब्लम है, वर्टिगो सुना होगा ना, वर्टिगो होता है किसी किसी को, अगर हाथ तक मूंगी जाता है, सीवियर मूंगी होता है, ग्रीप भी वीक हो जाती है, कुछ मोबाइल भी नहीं पकड़ सकते, कुछ बुक भी नहीं पकड़ सकते इन केसेस। ये नेक्स्ट फोटो ये है, इसमें और इसमें क्या फ़र्क दिखाई दे रहा था आपको, किलो डाला है पैरों में, किलो डाला है, ये ज़रूरी है या नहीं, फैसिलेट करेगा वो, फैसिलेट करेगा, यस किस चीज़ को फैसिलेट करें, ये हो गया गर्दन के स्पॉन्डिलोसिस के पेशेंट्स के लिए।
तकिए हेड के नीचे कैसा तकिया रहना, ये जो चीज़ है ये हेल्दी रहने के लिए, फिट रहने के लिए भी होता है, और जो बैक पेन वाले पेशेंट्स हैं, कमर दर्द वाले पेशेंट्स, उनके लिए तो ज़्यादा ज़रूरी है दोनों घुटनों के बीच में ये तकिया रखना। फिर दूसरे केसेस कौन से, जिनको नी पेन है, घुटने दर्द, ताकि हड्डी हड्डी घिसे नहीं एक दूसरे के ऊपर। तो ये यहाँ पे आप कोई भी सॉफ्ट तकिया रख सकते हो कोई। इसमें क्या होता है, ये जो ये एंगल देखो, हिप और स्पाइन का जो एंगल है ये हिप ज्वाइंट है, यहाँ से स्टार्ट होता है, ये स्पाइन है। तो ये एंगल है ये बढ़ता है अगर हम ऐसे नहीं करते। अभी हम इससे पहले नहीं जानते थे ना, लेकिन आज से कोशिश करें। तो ये एंगल बढ़ता है धीरे धीरे, मुझे बैक पेन स्टार्ट होता है, हो सकता है। अगर बैक पेन शुरू होता है तो स्टार्टिंग के लेवल में मैं अपनी तरफ से उसको ठीक करूँगी, चाहे योग बल से, चाहे और गर्म पानी का सेको, घर में कुछ मूव लगाओ, बाम लगाओ। फिर मैंने यही पोजिशन रखी, मैं किसी की सलाह नहीं ली, तो क्या होता है बढ़ सकता है धीरे धीरे, ये होते हैं सब प्रोसेस। इसके लिए क्या करेंगे हम आज से, कोशिश करेंगे ये दो तकिया रखने की, एक वाला ये तकिया, इसको आपको मॉडिफाई करना है, और दूसरा ये वाला। तो ये दोनों फोटोज में से सही वाली पोजीशन ये पहली ऊपर की है, करेंगे, याद रहेगा सबको। इसीलिए घर में सभी के पिलोज अलग अलग होने चाहिए, जिसकी जितनी विड्थ है ना। बच्चों को भी बता सकते हैं, 9-10 साल के बच्चों को, ड्राइविंग कौन कौन करता है, कार ड्राइविंग और भाई लोगों से, तो कौन सा सही है आप बता सकते। फर्स्ट वाला सही है, क्यों ये दो क्यों नहीं बाजू के, ये तो आरामदायी है ना, ठीक नहीं है। तो ये ऐसे ऐसे लोगों में क्या क्या हो सकते हैं, आपको जानकार सकती है, रीढ़ की हड्डी के बैक पेन हो सकता है, और देखो मैं हम क्या बोल रहे हैं, आरामदायी पोजीशंस कितने हार्मफुल रहते हैं, हमको तो लगता है ये तो कंफर्टेबल नहीं, हार्मफुल है। धीरे धीरे जाके जैसे एज बढ़ता है वैसे ये सब दिखाई देता है, बॉडी बोलने लगती है ना। तो ये वाला सही है, हो सकता है भाइयों, हो सकता है। इसके लिए क्या क्या कर सकते हो आप, यस और स्ट्रेट रहते हैं, यस और बीच में तकिया रख सकते हैं, तकिया कहाँ, सीट एंड बैक रख सकते हो छोटा वाला। इस आपने सही पूछा, अभी मैं बताती हूँ इसके बारे में। नॉट ओनली वाइल ड्राइविंग, पर हम कोई भी सिटिंग वाला पोजी काम कर रहे हैं तो यहाँ पर तकिया रख सकते हैं। जो छोटे छोटे पिलोज आते हैं सॉफ्ट वाले, बच्चों के आते हैं ज़्यादा सॉफ्ट वाले, मॉल में अवेलेबल नहीं। तो जैसे मैंने कहा कि स्पाइन में ऐसे कर्व्स रहते हैं, तो कर्व को मेंटेन करने के लिए, इसको मैं बोलती हूँ मेरे लैंग्वेज में खड्डा, ये खड्डा फिलअप करने के लिए आप तकिया रख सकते हैं कोई भी पोजीशन में, वाइल ड्राइविंग, वाइल स्टडिंग, वाइल वॉकिंग, है ना, ये क्लियर। इसमें से क्या आप ऑब्जर्व करो, और हर एक अपना अपना जांच करो कि मेरी कौन सी सही पोस्चर है, या मैं इसमें से कोई कैटेगरी में आता हूँ आती हूँ। हाँ ठीक है, ये वाले सही है, फोटो सही है, पर अपनी अपनी जांच करो कौन कहाँ है। सही है सबकी पोजीशन, पोस्चर सही है, वेरी गुड, अच्छी बात है, चलो अपने लिए तालियां बजाओ, वेरी गुड वेरी गुड। तो सर से लेके पाँव तक जैसी पोजीशन होनी चाहिए, बहुत छोटी छोटी पोजीशन मायने रखते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बताती हूँ, देखो मैं ऐसे हूँ, अगर मेरा पोस्चर ऐसे है तो मैं साइड से देखो मुझे कैसे लगती हूँ, अच्छा लग रहा है। धीरे धीरे मुझे क्या स्टार्ट होगा, नेक पेन होगा, फिर और क्या हो सकता है, स्पॉन्डिलोसिस में वो कंट्रोल हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है आगे जाके वो नहीं। फिर दूसरा देखो ये ऐसे, अगर मेरे शोल्डर्स ऐसे राउंडेड है
तो क्या हो सकता है? देखो ये ऐसी हूँ अगर मैं, तो क्या हो सकता है मुझे? फ्रेश टाइम पर फिर बाक बाक ये तो बोलते हैं झुक जाते हैं, झुक जाते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है धीरे धीरे जैसे एज बढ़ता है क्या हो सकता है आप ही बताओ। हाँ ये हो गया, इसके पीछे बहुत सिंपल लॉजिक है। देखो ये हो गया ऐसे, तो माना मेरी जो बैक है वो लेंथन हो गई, लंबी हो गई, और ये क्या हो गया आगे वाला हिस्सा शॉर्ट हो गया, तो मेरे अंदर के ऑर्गन्स क्या होंगे धीरे धीरे कुछ एज के बाद हार्ट पर प्रेशर आएगा, लंग्स पर प्रेशर आ सकता है, अंदर के कार्डियो ब्रीदिंग वाले मुझे तकलीफ हो सकती है, तो ये एक कितना हार्मफुल है। तो इसीलिए आज से जिसको भी देखोगे और जो पहचान वाला है तो बोलो ये भी सही नहीं है, क्योंकि देखो हम जानबूझ के तो ये पोस्चर नहीं रखते ना कोई भी, ये अपने आप हैबिट की वजह से हो जाता है। तो इसके लिए फिजियोथेरापिस्ट एक्सरसाइजेस बताते हैं ताकि ना ये जो पोजीशन में ये मसल्स मेरे वीक हो गए, तो इनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए कुछ एक्सरसाइजेस पर्टिकुलर होते हैं जिनको हम बोलते हैं मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस, तो आपको ज़रूर स्पेशलिस्ट से सीखना चाहिए। दूसरा होता है ये ऐसे, कोई कोई लोग ऐसे जेंट्स लोगों में पेट, लेडीज़ का तो चलो वीक ही हो जाता है ना कुछ सर्टन एज के बाद टायर्स, मैं खुल के बोल रही हूँ अभी मेडिकल है तो खुल के ही बोलना चाहिए, हर एक का शरीर है और हर एक अपना शरीर को जानना चाहिए, तभी मैं कुछ कर सकती हूँ, तभी मुझे समझेगा कि ये नॉर्मल है भैया ये अबनॉर्मल है ना। तो अगर मेरा ये है पोस्चर तो यहाँ पर प्रेशर आएगा और ये तो वीक हो गया, तो हम फिजियोथेरापिस्ट क्या करते हैं ये मसल्स को भी और ये मसल्स को साथ में कुछ ऐसे पर्टिकुलर एक्सरसाइजेस देते हैं जिससे ये करेक्ट हो जाए। अब ये करेक्ट तुरंत हो सकता है? हो सकता है? नहीं हो सकता। कितना टाइम लग सकता है? टाइम लगेगा, फिर ये होने में भी टाइम लगा है ना, तो फिजियोथेरापिस्ट आपका सही बताएगा कि कितना अंदाज से समय लग सकता है ये करेक्शन। ठीक है, ये पोस्चर्स क्लियर हुए? कोई कोई लोग तो बिल्कुल स्ट्रेट है ना, वो भी हार्मफुल है, कोई कोई लोगों में बटक्स ज़्यादा पीछे रहते हैं, देखा होगा आपने ये वाला बटक्स का भाग, हिप का, ग्लूट्स का भाग, सीट का भाग, ये ज़्यादा पीछे रहता है ऐसे। अब ये ऐसे पोस्चर है ना, ये सब पोस्चर्स आप अभी से ऑब्जर्व करते जाओ, आपको किसी तरह किस बना रहे हैं रोड पे भी घर में भी जो भी देखा दिखाई दे ऐसे एबनॉर्मल पोस्चर वाले, आप थोड़ा ये भी सेवा हो सकती है ना हमारे से, थोड़ा उनको एटलीस्ट अवेयर तो करो बाबा ये सब नहीं है। नेक्स्ट है बच्चों की स्टडी वाला मोबाइल वाला पोजीशन, बैठो बैठो, थोड़ा हो गया बस थोड़ा ही बाकी है। दिखाई दे रहा है सबको ये फोटो, ये क्या कर रहा है ये बच्चा? सोते सोते फोन कैसे देख रहा है? तकिया लिया है, कैसा ऑकवर्ड पोजीशन में तकिया लिया है, ये हाथ है ये ऐसे रखा है, इससे अच्छा अगर मुझे देखना है कुछ काम करना है तो मॉनिटर शुड बी एट आई लेवल, बैक शुड बी स्ट्रेट और 90-90 पोस्चर ऐसे सही रखे। तो पोस्चर्स देखो आज हमको सबको मालूम पड़ेगा कि पोस्चर हमारी बॉडी के जो भी पोजीशंस हम रखते हैं उठते बैठते लेटते कितने मायने रखते हैं है ना, तभी जाके ये धीरे धीरे बीमारियाँ दर्द बढ़ने लगते हैं, नहीं तो अगर नहीं करते हैं तो। ये तो सबको ज़रूरी है, बहुत सिलेक्टेड फोटोज लिए मैंने। क्या कर रही है फोटो में? फोटो में क्या कर रहे हो बताओ? फोन आजकल तो कोई एज लिमिट ही नहीं रहा फोन यूज करने में है ना, छोटे बच्चों से लेकर बहुत सीनियर सिटीजन्स भी, इतना टाइम चला जाता है समझ में नहीं जाता है, समझ में नहीं आता है, फेसबुक खोला इंस्टा खोला ऐसे देखे मैंने मतलब समझो कि मेरा खुद का एग्जाम्पल है, पेशेंट अंदर है रिलेटिव बाहर बैठा है वेटिंग एरिया में और रिलेटिव का ये काम चालू है, मैंने बोला ये नेक्स्ट पेशेंट ये रहेगा
बच्चे भी आजकल बहुत अच्छी तो ये बहुत हार्मफुल है. क्यों इसमें भी है ना, अगर हम आई लेवल में क्यों मैं बताती हूँ, सो के देखना भी अच्छा नहीं, मुझे सो के देखना भी अच्छा. उल्टा सो के अगर आपको बहुत ज़रूरी है तो उल्टा सो के आप ये ऐसे रखो. आजकल वो स्टैंड्स भी आते हैं बुक के लिए, मोबाइल के लिए, तो वैसे आई लेवल पे रखो लेकिन उल्टा ले पेट के बल पे, ऐसे हम देख सकते हैं ताकि ये स्पाइन हेल्दी रहता है. ये अगर कर रहे हैं हम ये सारा गया धीरे धीरे. तो हाँ, तो अगर मैं जितना नीचे देखती हूँ ना मेरे हेड का, हेड आप सब अग्री हो कि ये मेरे अपने सर का वजन रहता है. क्यों, कितना भारी ब्रेन है अंदर, स्कल के अंदर ये वजन आता होगा ना, ये सर्वाइकल स्पाइन पर रीढ़ की हड्डी होता है. अब मैं ऐसे करके फ़ोन देख रही हूँ या फिर बुक पढ़ रही हूँ, मैं ऐसे करके मैं एंगल्स बता रही हूँ, मैं देखूँ मुझे ऐसे साइड से देखूँ. ये हो गया फॉर एग्जांपल 15 डिग्री वाला, यहाँ से स्ट्रेट से 15 डिग्री एंगल है. इसमें आप क्या बोल रहे हो, ये सही है, चलेगा? देखो ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा, ये 30 डिग्री एंगल हो गया, ये 45 डिग्री एंगल हो गया, चलेगा? कौन सा हार्मफुल है ज़्यादा? 45 वाला ज़्यादा हार्मफुल है. तो इसके लिए मुझे क्या करना है, हमेशा अपनी आँखों के लेवल पे, आई लेवल तक ही मुझे जो भी पढ़ना है, देखना है स्क्रीन पे, जो भी वैसे ही रख. घर में टीवी भी सेटिंग आप वैसे ही करो दीवार पर, ताकि मैं नीचे से भी ना देखूँ, ज़्यादा ऊपर भी ना हो जाए. शुड बी एट आई लेवल ऑलवेज. अभी आप सब एक्सरसाइजेस के तो एक्सपर्ट हो, आपको सभी को मालूम है. एक 5 मिनट के लिए करेंगे थोड़ा, तब से बैठे हैं ना, थोड़ा म्यूजिक स्टार्ट करें. ईश्वर भाई म्यूजिक स्टार्ट करें, कोई भी अच्छा म्यूजिक सुना ना. बहुत अच्छा जानकारी मिली या नहीं? तालियों के लिए नहीं, मैं बहुत बाबा की सेवा कराई थी. तो फॉलो करेंगे ना, करेंगे. अगर पर्सनली कोई भी प्रॉब्लम हो, एडवाइस ये दिया है, कार्ड दिया है, फोन पे पूछ सकते हो या तो फिर आकर देखोगे, दिखाओगे तो बहुत अच्छा है, इजीली बता सकते हो. चलो स्टार्ट करें. अपने स्मॉल जॉइंट्स भी बहुत ज़रूरी है. हम क्या करते हैं ज़्यादा करते हैं, शोल्डर पे ज़्यादा वगैरह फोकस करते हैं, इसमें ज़्यादा फोकस करते हैं. अब ये छोटे छोटे जॉइंट्स को हम भूल जाते हैं. तो यहाँ से शुरू करें. चलो मेरे साथ किया करो, थोड़ा गैप ले लेंगे आप जैसे कंफर्टेबल हो. वेरी गुड, वेरी गुड. अब म्यूज़िक भी आएगा और मज़ा आएगा करने. पीछे जाओगे तो ये मसल्स भी अच्छे होंगे.
पास करना लगे उसको काही काही लोकांना काय वाटतं की मी जेवढं फास्ट करेन या मी जेवढं जास्त करेन तेवढं मी फिट राहीन. असे मत करेन. स्लो स्लो करा. नेक्स्ट हँड, नेक्स्ट शोल्डर, दुसरा शोल्डर करा. अच्छे से खिंचाव महसूस होने दो शोल्डर को. सारी चेस्ट मसल्स, शोल्डर मसल्स खींचेंगे. गर्दन सीधी रखो, अपनी ट्रंक भी सीधी रखो, चेस्ट और स्पाइन सीधा रखो. पाँच उल्टा करो. कितना मस्त लग रहा है. ऐसे करना चाहिए ना हमको. क्लास में भी करना चाहिए. क्लास के बाद करना चाहिए. रोज करेंगे. ये बाबा क्या बोलते हैं, रिकॉर्ड हो रहा है. नेक्स्ट करो. ऐसे खींचो खींचो खींचो, अच्छे से खींचो. जितना होता है उतना खींचो. हर एक का अलग अलग हो सकता है. फिर आगे फिर से करो. पीछे आगे पीछे करोगे तो ऐसे स्ट्रेच आना चाहिए. हाँ, हर एक एक्सरसाइज का ये प्लेन में करो. ये प्लेन में आप नीचे जा रहे हैं. एल्बोस एल्बोस को ये सेम प्लेन में रखो. ऐसे ले जाओ, ऐसे ले जाओ. हाँ, करो. 10 बार करो. खिंचाव महसूस हो रहा है. धीरे धीरे, जल्द नहीं आने दो. ऐसे झटका नहीं आने दो. हाँ, आराम आराम. बॉडी है, बॉडी के साथ अच्छे से प्यार से व्यवहार करेंगे. बोलेगी भी नहीं. ओके. नेक्स्ट अभी हम थोड़ा पैरों में स्पेस ले लो, गैप ले लो. है जगह, जिसको जिनको हो सकता है वही करो. धीरे धीरे करो, थोड़ा कम करो. अब ऊपर बैक पेन किसी किसी को है, किसी को है बैक पेन. जितना होता है उतना ही करो. और सब फिट है बाबा के बच्चे. वेरी गुड. चलो थोड़ा पीछे जाएंगे हल्का और फिर नीचे आएंगे. होता है तो घुटने आपको स्ट्रेट रखने हैं और जमीन को हाथ लगाने की कोशिश करो. होता है तो करो. पैरों में गैप ले सकते हैं. जितना ज़्यादा गैप रखोगे उतना अच्छा है. लोड ज़्यादा नहीं आएगा. फिर ऊपर आएंगे ऐसे ही हाथ ऊपर. थोड़ा हल्का पीछे चलो. फिर से नीचे. वेरी गुड करो भाई जी. आपको कर सकते हो. चेयर हटा दो. हाँ हटा दो. दो मिनट में करोगे. अभी नीचे जाने के टाइम पे क्या क्या होता है बताते. एक्सरसाइज का इफेक्ट आपको मालूम पड़ेगा तो आप अच्छे से करोगे. यहाँ से लेकर पूरा ये मुझे स्पाइन ऊपर तक स्ट्रेच फील होना चाहिए, तभी वो एक्सरसाइज इफेक्टिव होती है. हाँ, अच्छे से खिंचाव आना चाहिए. करें फिर से. कितने हुए सबके? चार हो गए. वेरी गुड. हल्का पीछे जाओ. अब नीचे आ जाओ. जमीन को टच करो ताकि स्ट्रेच फील हो जाएगा. मांडी से लेकर ऊपर स्पाइन में, बैक में, गर्दन तक आपको अच्छे से खिंचाव महसूस होगा. ऊपर आओ. आराम से कर लो. कोई भी झटका नहीं. आराम से हल्का पीछे जाओ. पीछे जाने के बाद भी हल्का महसूस होना चाहिए स्ट्रेच बॉडी को, आगे वाली बॉडी को. अब नीचे चलो. पीछे वाली बॉडी को स्ट्रेच फील होना चाहिए. वेरी गुड. अच्छा लग रहा है करते वक्त? ओके. पांच हो गए. ओके रिलैक्स. अभी ऐसे ही लेके ऐसे करो. कमर पे हाथ रखो. विठल जी का पोजीशन ले लो. ओके. अब ये स्पाइन को, लोअर स्पाइन को हम ट्विस्ट करें राइट और लेफ्ट. हल्का हल्का करेंगे. पांच यहाँ, पांच वहाँ. ओके स्टार्ट. एक जितना होता है उतना करो. आपसे सीधे देखो, दूसरी तरफ मुड़ो. सीधे देखो फिर से. राइट लेफ्ट जो भी आता है साथ में करेंगे तो और अच्छा. सीधा जितना आप दे सकते हो टर्न ताकि खिंचाव महसूस हो अच्छे से. सीधा. नेक्स्ट टर्न. सीधा टर्न. सीधा. अब देखो एक हाथ ऊपर एक हाथ नीचे. ऐसे हम ये साइड जीतेंगे. थोड़ा पैरों में स्पेस बना लो अच्छे से. आराम आराम से करो. माता है जितना होता है सीधा पूरी सीधा जाना. सीधे हो जाए. आप सीधे हो जाए. ऐसे नहीं जाना. आप ऐसे जा रहे हैं.
प्लेन सेम रखा, एक ही प्लेन में हमको एक्सरसाइज, जैसी बॉडी है वैसी बॉडी। यस वेरी गुड। तो क्या होगा, आपका जो हाथ ऊपर है वो साइड पूरी आपको खिंचाव महसूस होगा, ये अच्छा है। माता जी यहाँ आप पीछे करो थोड़ा, हाँ अच्छा लग रहा है। आप सीधे होगा, अब आपका दूसरा हाथ ऊपर आएगा, दूसरे साइड झुको अच्छे से और आराम से, जो हाथ ऊपर है वो साइड आपको खिंचाव महसूस होगा, दूसरी साइड को फिर से करो बिल्कुल आराम आराम से। स्पाइन की कोई भी एक्सरसाइज जर के साथ नहीं करनी चाहिए, सीधे दूसरी साइड छह से खिंचाव आने दो। थोड़ा हाथ देखो आप पीछे जा रहा है भाई जी, सीधे हो जाओ। अब ऐसे ही जा रहे हो, ऐसे ही जा रहे हो, ऐसा नहीं मैं बता रही इसके लिए, ऐसे ही जा रहे हो। ये हाथ को थोड़ा पीछे आगे तो मेरी तरह, शोल्डर को पीछे लो, हाँ वेरी गुड भाई। घुटने सीधे रखने हैं, दूसरी तरफ टर्न करो, वाह माता जी देखो लाल लाल हो गए। क्या होता है एक्सरसाइज करने से, क्या फायदे होते हैं बनकर, थैंक यू। क्या होता है एक्सरसाइज के फायदे, ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है, मसल्स एक्टिवेट होते हैं और एनर्जी का फ्लो अच्छा रहता है, होता है हार्ट बीट बढ़ता है ना, हार्ट में आता है, वो सब तो अच्छा है ना, ये थोड़ा थोड़ा लिमिट में सब कुछ लिमिट है। अभी हम थोड़ा जगह पे ही जॉगिंग करेंगे तो ये सब दिखाई देगा, वो पसीना आएगा, हार्ट बीट्स बढ़ेंगे, ये अच्छा है, थोड़ा लिमिट में जाना, बस लास्ट है ये जॉगिंग करो, एक्टिवेट करो बॉडी को, फिर चलते चलो फास्ट, जिनको जितना होता है उठाओ, पैर उठाओ, वेरी गुड वेरी गुड, एक्टिवेट योर बॉडी, वेरी गुड, बहुत मस्त लग रहे सब। अब ऐसे रोज करेंगे, रोज एक्सरसाइज करेंगे ना, मुझे क्लास के पास करो अच्छे से, पूरा ऊपर से लेके बॉटम तक आपको शेक होना चाहिए मसल्स, वेरी गुड वेरी गुड। करो मास अरे किसी को पसीना आ रहा है, मैं कह रहा पसीना, अब इससे क्या होगा, मोटे लोग पतले हो सकते हैं, ओम शांति ओम शांति। धन्यवाद, थैंक यू बोला मेरे।